उत्तराखंड के विनोदपुर पंचायत के मुखिया पति और उनके बेटे को ग्रामीणों ने कई घंटे तक बंधक बना के रखा और उनके साथ मारपीट भी की। इस घटना को लेकर कुछ ग्रामीणों ने बताया कि मुखिया के पति और पुत्र मैयत में शामिल होने के लिए आए हुए थे, तभी आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों को घेर लिया और उनके साथ मारपीट की। कुछ देर बाद इन दोनों को ग्रामीणों द्वारा बंधक भी बना लिया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना रौतारा थाना को दी। सूचना मिलते ही रौतारा थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की चुंगुल से दोनों को मुक्त करवाया और दोनों को लेकर अपने साथ थाने ले आई। यहाँ मामला जो है, हम लोग जो है मुखिया जी आया था, मुखिया जी का बेटा भी आया था, वहाँ से जब फोन किए थे बोला ठीक है हम भी जाएंगे मिट्टी देने के लिए। तो मिट्टी देने के लिए जब आया ना, तो यहाँ से मिट्टी दे के हम लोग जा रहे थे, तो तीन आदमी हम लोग जा रहे थे और पीछे पीछे आदमी था। उसके बाद जो है बगल में जो मिल है वहाँ, उसका बगल में रफीक का घर से इधर थोड़ा नसीर का मिल है, नसीर का मिल का आम का गाछ है, तो वहाँ जाकर तो हम खड़ा हुए, जाकर रुका इससे बात करने लगा नसीर से, बस बात करते मैंने दो चार मिनट हुआ। उसी का बाद जो है आकर के उसको जबरदस्ती पकड़ के खींच के लेके, किसको जबरदस्ती खींचा? मुखिया को खींचा, उसका बेटा को भी पकड़ के खींच के लेके। कौन मुखिया, क्या नाम है उनका? उसके नाम है मोहम्मद हारून रशीद। कौन सा पंचायत का मुखिया? विनोदपुर पंचायत का। और उसका बेटा को भी? हाँ उसका बेटा का। कौन खींचा था? उसका बेटा का जो नाम है मोहम्मद सलमान। कौन लोग खींच के ले गया? रहीम था, रफीक था, रफीक का भाई था, इलाही था, मैंने ढेरी लोग जितना बहुत आदमी था। क्या कोई आपसे दुश्मनी था पहले से उनका? अब क्या पता दुश्मनी तो था नहीं था, लेकिन ऐसे ही जबरदस्ती जो है दुश्मनी, मैंने वही मर्डर जो हुआ था उसका बेटा वो उसी टाइम का जो है दुश्मनी चल रहा है। अब क्या था नहीं था उसके बाद जो है उसी विषय के लिए। क्या उनके साथ मारपीट भी किया गया? हाँ मार तो मारा है खूब, जितना आदमी आया था सब आदमी मारा है उसको, हमको ही पकड़ा था। हमसे जो आप कौन, आप कौन हुए? मोहम्मद वजीर। कौन हुए आप? हम गांव घर का आदमी है। आप मुखिया के साथ थे? हाँ मुखिया के साथ में हम जा रहे थे नसीर का घर, मैंने दरवाजा में जाकर रुके, वहीं से जो है पकड़ के लेके गए। तो क्या लग रहा है कि मुखिया का हत्या करने का प्रयास? वो तो हत्या के, वो तो डायरेक्ट बोल देंगे इसको ले जा करके जमा कर देंगे। कौन बोला ये बात? वही लोग बोला रफीक सर, ये सब जितना आदमी था। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद वजीर। घर कहाँ हुआ? चिल्ली घाट। विनोदपुर पंचायत में यहाँ पे काफी भीड़ लगा हुआ है। इधर से मट्टी देके जा रहा था, वहाँ गए, हमारा मिल था, मिल के बगल में हम बैठे हुए। इसके बाद ये मुखिया जो है वहाँ जाकर के मुशावा किया, सलाम दिया, यही सलाम तो दिया, उसी का बदौलत जो थोड़ा सा खड़ा हुआ। हम बोले कि कुर्सी ला के देंगे बैठिएगा। इसी में जो है वो लोग जो है 20-25 आदमी आकर के जो है इसको पकड़ लिए। कौन लोग? रब ठीक था, उसके बाद और सब था, वो लोग 20-25 आदमी है फास्ट पकड़ा है। लेकिन एक बात है कि अगर हम बोलवो करेंगे वो भी धमकी दे रहा है कि जान से इसको भी मार देंगे, इन लोगों का लड़का वो मार देंगे, ये भी सब बोल रहा है। कौन धमकी दे रहा है? वही सब धमकी दे रहा है। और नाम, नाम क्या है? 50 आदमी था, वो लोग बोलता है जान से मार देंगे, जाना बंद कर देंगे, ऐसा बोल रहा है। जो बोलता है कि जान से मार देंगे उसका नाम क्या है? रहीम नाम जो है उन लोगों को नहीं बता सकेंगे, लेकिन खबर आ रहा है घर से, कोई जाता है तो किसी का सामने तो बोलता है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अच्छा क्या इसकी सूचना आपने थाना में दिया? हाँ थाना में इसकी सूचना दिए? हम कैसे बताएंगे, कहे जब पुलिस आया, पुलिस लेके गया फौजी को, तो यहाँ से लेकर के चला गया। कौन लोग? बाप बेटा को सब। कौन लेके गया? पकड़ के लेके चला गया वही फौजी। कौन थाना? क्या क्या नाम है उन लोगों को पकड़ के? कौन थाना में लेके गया? क्या नाम हुआ आपका? फिलहाल इस मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। आखिर ग्रामीणों ने मुखिया पति और उनके बेटे को बंधक क्यों बनाया, ये भी जांच का विषय है।